दिल्ली में बारिश के बाद फिर हालात वैसी हैं जैसे कल और परसों देखने को मिले थे। वाटर लॉगिंग आप देखेंगे और मैं फिलहाल दिल्ली सचिवालय के बाहर खड़ा हूं। आप देखेंगे तो लगातार पानी निकासी की व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है। यहां पर कोशिश ये की जा रही है कि जो पानी भर गया है, जल भराव हो गया है, उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। लेकिन वाटर लॉगिंग की समस्या लगातार पिछले 3 दिनों से, यानी कि इतवार से, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर सामने देखने को आ रही है, ऐसे में स्थिति और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। हालांकि दिल्ली सरकार के मुताबिक करीब 1400 पंप लगाए गए हैं दिल्ली के अंदर पानी को निकालने के लिए। जहां जहां जल भराव हुआ है वहां पर पंप की मदद से पानी को निकालने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा मिंटो ब्रिज को बंद कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली सचिवालय के सामने जो तस्वीर है उसे आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है यहाँ पर कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं कि जो पानी भरा हुआ है उसको जल्द से जल्द निकाला जाए। तो ये फिलहाल तस्वीर अपने आप में समझाने के लिए काफ़ी है कि पिछले 3 दिनों से भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। जो हालात पहले थे वही हालात अब हैं और शायद तस्वीर अपने आप स्थिति को बयां भी करती है। कैमरा पर्सन साहिल के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 दिल्ली।